तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 121 का। इस क्वेश्चन को देखिए, विच चिजेल इज यूज फॉर कटिंग कर्व ग्रुप। घुमावदार ग्रुप को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? यानी घुमावदार यानी कर्व ग्रुप जो है काटने के लिए कौन से छेनी का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन देखिए, यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है। फ्लेट चीजल, कौन सा है? फ्लेट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल और एक हाफ राउंड नोच चीजल। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लेट चीजल तो जो देख रहे हो, इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? तो आपका वेल्डिंग ज्वाइंट में, कहाँ पर? वेल्ड 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 ज्वाइंट जो होता है, या फ्लेट सरफेस पर, कहाँ पर? फ्लेट सरफेस, फ्लेट सरफेस। नेक्स्ट, दूसरा, वेब चिजल जो देख रहे हो, जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं इस तरह से, चेन ड्रिलिंग ऐसा, और इसके बीच का जो मटेरियल होता है, इसको जब सेपरेट करना रहता है या इसको हटाना रहता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो वेब चिजल। उसके बाद आता है एक क्रॉस कट चिजल। अब क्रॉस कट चिजल जो देख रहे हो, इसका हम लोग उपयोग करते हैं कहाँ पर? तो कीवे काटने के लिए। कौन सा? कीवे जो है, इसको काट यहाँ पर यूज करते हैं, कीवे काटने के लिए। तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं किसका? यानी क्रॉस कट चीजल का, वहां पर चीजलिंग के लिए। दूसरा, ये यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा हाफ राउंड नोच चीजल। कौन सा होगा? हाफ राउंड नोच चीजल। इससे क्या होता है कि कर्व ग्रुप जो हम लोग तैयार करते हैं, तो इसी चीजल से यूज करते हैं। कौन सा? हाफ राउंड नोच चीजल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। चलिए, यहाँ पर देखिए 122 का क्वेश्चन का देखिए, यहाँ पर व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज फॉर मार्किंग पर्पस। मार्किंग पर्पस यानी मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है? जो मार्किंग पर्पस, हम लोग सामान्य मार्किंग पर्पस के लिए जो हम लोग हथौड़ा यूज करते हैं, उसका वजन क्या है पूछ रहा है। तो उसका जो वजन होता है वो होता है आपका 250 ग्राम। कितना होता है? 250 ग्राम। इसको याद कर लीजिएगा, कितना होता है सामान्य हम लोग जो है मार्किंग के लिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं पंचिंग ये सब करते हैं, तो उसके लिए सामान्य मार्किंग के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? तो 250 ग्राम का। नेक्स्ट आइए, देखिए 22 हो गया था, 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग। देखिए, विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? यदि आप विकर्ण यानी डायगोनल फाइलिंग कर रहे हो और उसका उचित तरीका आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, अनुचित तरीका, तो इसमें होता क्या है? देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? अनइवन सरफेस फिनिश यानी असमान फिनिश सतह होगा। क्या होगा? अगर आप डायगोनल फाइलिंग जो होता है उसका आप सही उपयोग नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? अनइवन सरफेस फिनिश, यानी इसका राइट आंसर जो होगा मेरा, सॉरी, असमान फिनिश सतह, यानी जो सतह होगा वो क्या हो जाएगा? असमान होगा। ठीक है, बाकी क्या दे दिया है देख लीजिए, सतह पर खरोच, फिर आपका सतह पर उत्तलता, सतह पर सही फिनिश नहीं हो न होना, तो इसमें क्या हो जाएगा? असमान, यानी सतह पर क्या हो जाएगी? असमान फिनिश, कहीं ऊपर तो कहीं नीचे इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, असमान फिनिश होगा। नेक्स्ट आइए, 24 नंबर यहाँ पर देखिए। चलिए, क्वेश्चन को देखिए पहले, ध्यान दीजिएगा। विच चिजल इज यूज टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम फ्रॉम वेल्डेड ज्वाइंट एंड कास्टिंग। तो अभी हम आप लोग को बताए थे कि वेल्डिंग ज्वाइंट में कौन सा चीजल का उपयोग करते हैं। तो देखिए, वेल्डिंग ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग ज्वाइंट से किस छेनी का उपयोग करते हैं? फ्लेट, यानी आपका फ्लेट चीजल, यानी फ्लेट छेनी। इस सब के बारे में अभी बता चुके हैं थोड़ा देर पहले। देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, एक फोटो आया है फाइल का, इस फाइल का फोटो का आपको पहचान करना है। ये देख रहे हो, देखिए ये जो फोटो है, इस ये फाइल का फोटो है और इस फोटो को पहचान करना है, ये दोनों फोटो। और
और ये जो फोटो जो देख रहे हो ये है, ये जो फाइल है ये है आपका रोटरी फाइल। कौन सा फाइल है? रोटरी फाइल। टिंगर फाइल आप लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं, बैरेट भी, ठीक है, क्रॉसिंग फाइल ये है नहीं। तो ये कौन सा फाइल है? ये रोटरी फाइल है। अब रोटरी फाइल की एक खासियत समझिए, रोटरी फाइल क्या होता है, ये जो आप भाग देख रहे हो ना, इसको जो है स्पिंडल या किसी मशीन में, इसके मोटर में इसको फिट किया जाता है और उसके बाद इसको मशीन के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है और ये घूमता है, ठीक है, और इस तरह से ये क्या करती है, ये फिनिशिंग करती है, इसलिए इसको रोटरी फाइल कहा गया। क्या कहा गया? रोटरी फाइल। ये इसका क्या है, स्पिंडल है, और ये स्पिंडल को पकड़ा जाता है किसी मोटर के द्वारा और इसको घुमाया जाता है और इस तरह से इसका वर्क होता है, तो इसे क्या कहते हैं, रोटरी फाइल। नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, उसके बाद इसका ऑप्शन देखेंगे। देखिए, व्हाई चॉक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल, फाइल के फेस पर चॉक क्यों लगाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन पहला क्या कहता है, टू रिड्यूस एक्सेसिव प्रेशर, यानी अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, ऐसा तो नहीं है। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, अगला ऑप्शन देखिए बी नंबर में क्या है, टू इंक्रीज चिप रिमूव रेट, चिप हटाने की दर बढ़ाने के लिए, ऐसा भी नहीं। टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, यानी पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, यानी यदि हम फाइल के फेस पर चॉक यूज कर रहे हैं तो इसका कारण यह है कि वहां पर पेनिट्रेशन को कम करना है। किसको कम करना है, यानी पेनिट्रेशन और पिनिंग, पिनिंग ना हो और पेनिट्रेशन वहां पर, यानी स्क्रेचिंग इस टाइप से नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक, इसको कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट आइए, ट्वेंटी सेवन का देखिए, चलो इसको यहाँ रखते हैं। देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सो ब्लेड, फाइन पिच हेक्सो ब्लेड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पहले हम बता चुके हैं, ब्लेड जो है तीन टाइप का होता है, एक कोर्स पिच, मीडियम पिच और एक फाइन पिच। और फाइन पिच का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, जब बहुत ही क्या होती है, ट्यूब को काटने के लिए, कौन सा, तो थिन ट्यूब को काटने के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन पहला क्या कहता है, मुलायम धातु को काटने के लिए हम लोग किसका करते हैं, कोर्स पिच ब्लेड, हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, फिर एक हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, और यहाँ देखिए क्या कह रहा है, टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब। तो हम लोग थिन ट्यूब को काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो दिया है क्या, कौन सा, फाइन पिच ब्लेड, ठीक है, और इस सब में हम लोग मीडियम ब्लेड का यूज करते हैं, और फाइन धातु का फाइन पिच ब्लेड का डी नंबर, यानी टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब। नेक्स्ट आइए, ट्वेंटी एट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें आपको ड्रिल, टेप ड्रिल साइज का इसमें आपका आएगा। देखिए, कैलकुलेट द टेप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.25। तो M10 इंटू 1.25 के लिए टेप ड्रिल साइज की गणना करें। तो एक आप फार्मूला यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है TDS, टेप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस होता है पिच, क्या होता है, पिच, ठीक है, और इसके अलावा और एक फार्मूला आता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर निकालने के लिए हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा, इस फार्मूला से आपका आंसर नहीं आने वाला है। क्या नहीं आने वाला, यानी इस फार्मूला से आपका इसका सटीक आंसर नहीं आने वाला है, इसको आप याद कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा 8.8, क्योंकि ये कुछ कुछ जो है डाटा से हम लोग को याद रखना पड़ता है। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि M10 into 1.25, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है, और इस तरह से आप गलत आंसर बना सकते हो। तो देखिए, कुछ कुछ क्या होती है, कुछ कुछ आपका डाटा जो टेबल होता है ना, आपका
टेप ड्रिल साइज का, तो वहां टेप ड्रिल साइज का जो टेबल होता है वहां से डाटा को लिया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो इस फॉर्मूला से इसका राइट आंसर आपका नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, इसका राइट आंसर के लिए आप इसका टेबल देखोगे और टेबल में आपको क्या मिलेगा 8.8, तो उसी को यहां पर आपको टिक लगाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट इन ए ड्रिल, एक ड्रिल में फ्लूट के बीच के भाग का नाम क्या है? तो एक ड्रिल में जो है फ्लूट के जो बीच का जो भाग होता है उसको वेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेब कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यानी ड्रिल का जो फ्लूट होता है और फ्लूट के जो बीच का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको वेब कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेब। नेक्स्ट आइए, देखिए ये क्वेश्चन है लेकिन इसका ऑप्शन यहां पर है नहीं, इसका ऑप्शन आगे चल के मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होगा, इसका रीडिंग हमको देखना है। यहां पर देखिए इसका रीडिंग दिया हुआ है, ये देख रहे हो। चलिए इसका रीडिंग लेने का तरीका को समझिए पहले, देखिएगा। कभी कल इस तरह का जब एक क्वेश्चन आता है तो इसमें एक चीज ध्यान देना है, ये जो एरो जो है ना ये किधर दिखा रहा है। ठीक है, इधर राइट साइड में दिखा रहा है आपका, जैसे आप इस तरह से खड़ा हो आपका राइट है कि लेफ्ट है, अभी किधर है तो अभी लेफ्ट में है। तो अभी एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो है ये कहाँ पर क्रॉस कर रहा है उसको ध्यान दीजिए। ये देख रहे हो, ये 20 का ये लाइन है और 20 के बाद 21, 22 के बाद ये क्रॉस किया है, कितना 22। अब 22 के आगे दिख रहा है और यहां से कितना दिख रहा है 30, ये देख रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि 22 पॉइंट कितना हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा, 22.30। अब यहाँ पता चल गया, ये दो एरो देखना, एक इधर का मेन स्केल का एक एरो देखना और एक इधर आपका अब बेवल प्रोटेक्टर का जो बर्नियर स्केल होता है उसका दिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग इधर ले लेंगे। ठीक, अब इस ये जो रीडिंग है उसको हम यहाँ ले लिए, वो मेन रीडिंग हो गया। अब दूसरा चीज है यहाँ पर, अब ये तो आ गया, अब किधर एरो दिखा रहा है तो लेफ्ट में दिखा रहा है, तो लेफ्ट में जब भी दिखाएगा तो आपको क्या करना है, 180 यानी 180 में इसको माइनस कर देना है। 180 पॉइंट कितना हो जाएगा, चलिए तो 180 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कितना, 0.0 ले लेते हैं। ठीक है, और इस यहाँ पर हम लोग ये मिनट में है इसलिए इसको 60 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 22 पॉइंट क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, यहाँ से एक लेते हैं तो एक यानी यहाँ पर हम लोग 60 मिनट ले लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा एक इधर यहाँ से लेके आएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। 60 में 30 माइनस करेंगे तो यहाँ 30 मिनट हो जाएगा। दूसरा यहाँ अभी कितना है, 179 में 22 माइनस करेंगे तो 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 7। अब 7 है तो 7 में 2 माइनस होगा तो 5 और यहाँ पर 1, तो इतना डिग्री यानी 157 डिग्री 30 आपका क्या हो जाएगा, मिनट। तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर सी नंबर। कभी भी हम लोग बायां साइड में जाएंगे तो उसको क्या करना है, 180 से माइनस करना है, और राइट साइड में आएगा तो जो डाटा होगा उसी को आपको लिख देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले भी एक आपको क्वेश्चन देखे थे होंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। व्हिच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर ए यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो आप लोग को पता होगा कि उसमें एक क्या रहता है, रेचेट स्टॉप, लास्ट में क्या रहता है, एक रेचेट स्टॉप, और उसी से ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है, यानी प्रेशर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो रेचेट स्टॉप करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए।
132 नंबर, देखिए इसको। Which part of the vernier height gauge is an integral parts of the main side? Vernier height gauge का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है? अब देखिए वर्नियर हाइट गेज, थोड़ा सा हम ड्राइंग बना रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक इसका जो है मेन स्केल होता है, ठीक। अब यहाँ नीचे एक बेस होगा, अब बेस के बाद यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि इसका जो है एक स्क्राइबर होता है, यहाँ से जुड़ा होता है एक स्क्राइबर, क्या होता है स्क्राइबर, और ये जो स्क्राइबर के साथ स्क्राइबर कहाँ रहता है, तो यहाँ पर ये स्क्राइबर जुड़ा होता है, और ये जो भाग देख रहे हो इसी को कहा जाता है क्या जॉ, तो ये क्या होता है, तो ये मेन स्केल का जो ये जो मेन स्केल जो देख रहे हो ना, इसके साथ ये जो है जॉ क्या होता है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ रहता है एकदम, इसके साथ ये वेल्डेड रहता है, ठीक है, इसके साथ ये आपका क्या रहता है कास्टिंग करके इसको बढ़ाया जाता है, ठीक है, और इसी के साथ ये क्या करता है ऊपर नीचे ये मूवमेंट करता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा जॉ होगा, ठीक है, यानी ये आपका क्या होता है स्लाइडिंग के साथ ये क्या होता है इंटीग्रल पार्ट कौन सा बोलेगा तो जॉ है। नेक्स्ट आइए, थर्टी थ्री नंबर देखिए, सिंपल है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो देखिए माइक्रोमीटर इस तरह से हम लोग खोलते हैं तो जैसे आपका क्या स्क्रू एंड नट, कौन सा इस सिद्धांत पे कार्य करता है स्क्रू एंड नट याद रखिएगा, ठीक है, जबकि ये आपका रेक एंड पिनियन तो होगा नहीं, ये आपका अलग गियर होता है, ठीक है, बोम एंड स्लाइडिंग आप लोग देखिएगा इसमें स्लाइडिंग जो होता है प्रिंसिपल ये आपका वर्नियर कैलिपर में देखने को मिलेगा, और इसमें कौन सा है तो स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पे ये वर्क करता है। 134 नंबर देखिए क्या है इसमें, हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर बाय डेप्थ माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है, तो लेंथ स्लीव लगा लेंथी स्लीव से नहीं, आगे देखते हैं इसका ऑप्शन से चलेंगे हम लोग, देखिए लेंथी स्पिंडल एडजस्टेबल बेस इक्विप्ड विथ सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड, तो इसमें क्या यूज किया जाता है एक्सटेंशन रॉड के साथ सेट के द्वारा, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या डी नंबर, एक्सटेंशन उसमें रॉड डाला जाता है। नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ पर एक और आपका माइक्रोमीटर का रीडिंग आपको पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए इस माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है, देख रहे हो, अब इस माइक्रोमीटर को देखिए ये जो है ये आपका इंच में दिया हुआ है, यानी ब्रिटिश माइक्रोमीटर है, इस तरह से जब भी रीडिंग रहेगा तो आपको देख के पहचान करना है कि ये कौन सा माइक्रोमीटर है, ये कौन सा माइक्रोमीटर है, तो ये आपका ब्रिटिश माइक्रोमीटर है। इस माइक्रोमीटर में कुछ कुछ पॉइंट हम आपका अभी बता रहे हैं, उसको आप लोग फोकस करके रखिएगा, ठीक है, और आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आपका बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहां देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात ये जो लिखा हुआ है ये इसका जो वैल्यू होता है इंच में वो होता है 0.1 का, एक का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना 0. यानी मेन स्केल का 0.1 इंच, कितना होता है 0.1 इंच, ठीक है, ये आपका मेन स्केल का मेन डिवीजन लिख लीजिए, ठीक है, मेन डिवीजन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0.1 इंच, और यहां पर कितना है तो 7 है, तो इसको 7 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.7 इंच। नेक्स्ट आइए, अब इसका हर एक सब डिवीजन जो देख रहे हो सब डिवीजन, ठीक है, जैसे यहां से यहां तक उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.025, कितना होता है 0.025। अब एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर 0.025 जो होता है एक डिवीजन का वैल्यू होता है,
अब यहां पर कितना डिवीजन आया उसको देखिए, तो यहां देखिए यहां से एक दो और एक तीन, कितना कितना क्रॉस किया है, तीन। तो इसको हम क्या करेंगे, थ्री से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से थ्री से, तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.075, कितना हो गया 0.075। अब नेक्स्ट आइए, 0.075 हो गया। अब ध्यान दीजिए एक मिनट, हाँ थ्री से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो गया 0.075। चलिए एक मिनट, यहाँ पर यहाँ से यहाँ बढ़ा तो यहाँ पर 0.55 से फिर आपका कितना बढ़ जाएगा 25, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, ये आपका 10 है, 10 के बाद 11, 12, कितना है 11, 12, तो यहाँ पर 12, यानी इसका जो वैल्यू होता है इसका, यानी आपका थिम्बल डिवीजन का, सिंबल डिवीजन इसका वैल्यू होता है 0.001, कितना होता है 0.001, और इसको हम लोग क्या करेंगे 12 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना में 12 में। अब जब ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.012, कितना हो जाएगा 0.012। अब इसको जोड़ लीजिए, क्या करना है जोड़ लेना है, यहाँ पर 5 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 1 8, और इधर से कितना 7 पॉइंट इधर 0, तो आपका राइट आंसर जो होगा 0.787। इसका आप लोग ये तीन चीज आप लोग याद कर लोगे तो ये तुरंत बन जाएगा, देखते साथ आप इसको बना लोगे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या, बी नंबर। नेक्स्ट आइए, देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टेक्ट विथ द इंक्लाइंड सरफेस व्हाइल मेजरिंग, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कॉन्टेक्ट में होता है, तो ध्यान दीजिएगा, तो इंक्लाइंड सतह के जो कॉन्टेक्ट में जो होता है वो होता है क्या, ब्लेड, कौन सा होता है ब्लेड, याद रखिए कौन सा ब्लेड होता है, ठीक है, यानी 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी नंबर। नेक्स्ट आइए, सेवन नंबर, देखिए 37, Which part in drilling machine is to achieve different speed? Drilling machine में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है, यानी अलग अलग गति प्राप्त करने के लिए कौन सा भाग है, तो हम लोग को पता होगा कि ड्रिल मशीन में जो है हम लोग स्टेप पुली लगा रहते हैं, कौन सा स्टेप पुली, यानी अलग अलग वहां पर स्टेप वाइज स्टेप इस तरह का आपको देखने को मिलेगा रेंज में, इस तरह का एक यहाँ पुली लगा है, इसके ऊपर में एक कम स्पीड का और एक कम इस तरह का लगा हुआ रहता है, और इधर से भी इस तरह से आपका बना हुआ रहता है, आप देखे होंगे, ठीक है, तो इस तरह का आपका अलग अलग हम लोग क्या करते हैं इसमें सेट करते हैं, तो जिसके कारण से क्या होता है यहाँ पर बेल्ट लगा रहता है, तो इसमें अलग अलग हम लोग स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें कौन सा पुली लगा हुआ रहता है, स्टेप पुली, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है, ये आपका फोटो वाला क्वेश्चन होगा, तो आगे हम लोग देखते हैं कौन सा फोटो है भाई, हाँ ये देखिए एक फोटो आ गया, अब इस फोटो को आपको पहचान करना है कि ये फोटो है कौन सा, और फोटो में क्या दिखा रहा है उसको देखिए पहले, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ग्राइंडर मशीन, और इस मशीन का एक्स पार्ट्स दिखा रहा है यहाँ पर, और ये जो पार्ट्स है यहीं से हम लोग क्या करते हैं जॉब को रख कर वहां पर, या कोई भी टूल्स को रख कर हम लोग क्या करते हैं उसका धार तैयार करते हैं या उसको फिनिशिंग करते हैं, तो इसका नाम क्या है, टूल रेस्ट, क्या नाम है इसका, टूल रेस्ट, याद रखिए क्या है, टूल रेस्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी ये क्या चीज है, तो टूल रेस्ट। नेक्स्ट आइए, देखिए 139 नंबर, ये फाइल आप पहचान रहे होंगे, इसके बारे हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, ये जो फाइल देख रहे हो ये आपका कहाँ पर यूज होता है, तो लेदर में, कहाँ पर,
लेदर या रबड़ में यूज करते हैं। इस फाइल का नाम क्या है? तो ये है आपका रस्प कट फाइल। कौन सा फाइल है? रस्प कट। इसका जो टीथ देख रहे हो ना, ऊपर की ओर उभरा हुआ रहता है। आपको पूछता है कि किस फाइल का टीथ जो है ऊपर की ओर उभरा हुआ रहता है, और ये मुख्य रूप से आपका हाफ राउंड में आपको पाए जाते हैं। और इस फाइल का नाम क्या है? रस्प कट। इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? लेदर में, रबड़ में, ये सब यानी मुलायम धातु, या हम लोग लकड़ी में भी यूज करते हैं। कौन सा फाइल है? तो आपका रस्प कट फाइल। नेक्स्ट आइए, नंबर देख लीजिए इसको। ठीक है, देखिए, व्हाट हैपेंस इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटेन। अगर वाइस हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? वाइस का हैंडल को यदि हम ज्यादा टाइट कर देंगे तो देखिए स्पिंडल जो है वो डैमेज हो जाएगा। अब स्पिंडल डैमेज कैसे होगा भाई? तो स्पिंडल का जो है ना, उसका जो थ्रेड होता है वो डैमेज हो जाता है। जैसे हम टाइट हो गया, टाइट करने के बाद फिर हम घुमा रहे हैं, तो उसका थ्रेड क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर स्पिंडल की क्या हो जाएगी? क्षति होती है। नेक्स्ट आइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। Which caliper provide fine adjustment of dimension? कौन सा caliper आयामों का fine adjustment प्रदान करता है? तो देखिए inside caliper एक क्या दिया है, और leg caliper। आगे आइए, इसका option को देखिए। फिर एक यहाँ पर क्या है, आउटसाइड कैलिपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? डी नंबर, यानी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। स्प्रिंग जॉइंट इसीलिए ही दिया जाता है क्योंकि फाइन एडजस्ट किया जा सके। इसका मेन पर्पस स्प्रिंग जॉइंट बनाने का एक ही रीजन है, इसको हम लोग क्या कर किया जा सके? फाइन एडजस्टमेंट, यानी तुरंत बहुत ही फाइन एडजस्ट करने के लिए इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है ये 40, ठीक है, 42 नंबर देख लीजिए, ये आ गया। देखिए, which metal cutting saw is used to cut large cross section area? बहुत यानी बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सो का उपयोग किया जाता है? बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं कुछ बहुत चौड़ा सा होगा जॉब, अब इसको कटिंग करना है तो इसको जो है पावर सो में इस तरह से कटिंग किया जाता है। लेकिन क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा होगा ना, तो उसमें डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और इसके लिए सबसे जो बेहतर होता है, बेटर वो होता है क्या? सर्कुलर सो। सर्कुलर सो आप लोग देखे होंगे इस तरह का डिजाइन में, एक आपका इसका फोटो हम दिखाएंगे बाद में। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? सर्कुलर सो। आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, कौन सा सो है? तो सर्कुलर सो। नेक्स्ट आइए, 143 नंबर देखिए क्या कह रहा है। Why marking table are made of cast iron? Marking table को cast iron से क्यों बनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ध्यान दीजिए। एक पहला जो ऑप्शन है सेल्फ लुब्रिकेटिंग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मेक मोर रिजिडिटी, मेंटेन द एक्यूरेसी, प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन। और इसका जो मेरा राइट जो आंसर होगा वो इसलिए कास्ट आयरन से बनाया जाता है क्योंकि ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। अब एक चीज समझिए, सेल्फ लुब्रिकेटिंग कैसे होता है भाई? तो कास्ट आयरन में लुब्रिकेशन की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें खुद व खुद जो है लुब्रिकेशन होती है, इस वजह से इसको कास्ट आयरन से रेडी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, सेल्फ लुब्रिकेटिंग। नेक्स्ट आइए, देखिए इस तरह का एक पहले आया हुआ था, अभी इस फोटो को देख लीजिए और इसको पहचान करना है ये कौन सा फोटो है। तो ये जो फोटो जो देख रहे हो उसमें और एक यहाँ पर था, हम आपको बताए थे, ठीक। और ये जो फोटो देख रहे हो ये क्या है? बेवल गेज, ओनली फॉर बेवल गेज। और इसमें और एक लगल रहता था यहाँ पर, तो उसको क्या बोलते थे? यूनिवर्सल बेवल गेज। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सिर्फ ओनली ऑन क्या है? बेवल गेज है। नेक्स्ट, 45 नंबर, इसको ध्यान दीजिए, यह है क्या?
विच फाइल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई एंड मोल्ड, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है, यानी डाई और मोल्ड का निर्माण के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वो है रोटरी फाइल, टिंकर फाइल, और आगे देख लेते हैं क्या क्या फाइल है। यहाँ पर देखिए बेरेट फाइल और एक क्या है रस्प कट फाइल, अच्छा इस तरह का ऑप्शन दिया है। तो इसका राइट आंसर आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो मोल्ड के लिए जो बात कर रही है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है, डाई तैयार करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं ये फाइल है क्या, यानी आपका रोटरी फाइल, टिंकर फाइल, जबकि आपको बताए थे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में उसके बॉडी पार्ट को फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है, और एक वहां पर क्या था रस्प कट फाइल, तो लकड़ी के कार्यों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोटरी फाइल, राइट आंसर रोटरी फाइल। नेक्स्ट आइए, देखिए व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप क्लोव बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल, फाइलों के बीच, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु को, धातु की चिप को हटाने की विधि है। तो यहाँ देखिए एक ब्रश दिया हुआ है और एक वायर ब्रश है, कॉपर स्ट्रिप है, चॉक पावर है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कॉपर स्ट्रिप, यानी बीच में जो फंसे हुए दांतों के बीच जो फंसी धातु को हटाने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो कॉपर स्ट्रिप का उपयोग किया जाता है इसमें, यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा, कॉपर स्ट्रिप। 47 नंबर देखिए, विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर फाइलिंग और ड्रिलिंग, छोटे छोटे काज जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पिन वाइस, तो छोटे छोटे पिन को पकड़ने के लिए, पाइप वाइस, पाइप का हैंड वाइस, तो हम लोग उसमें भी छोटे चीज को यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ड्रिलिंग और फाइलिंग की आवश्यकता के लिए हम लोग जो है टूल मेकर वाइस का उपयोग करते हैं, किसका यूज करते हैं, टूल मेकर वाइस, इसका राइट आंसर क्या, डी नंबर। देखिए 48, विच हैक्सो ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग अलोंग कर्व लाइन, किस हैक्सो ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ऐसे हम लोग को घुमावदार काटना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, फ्लेक्सिबल ब्लेड, कौन सा, फ्लेक्सिबल, ताकि वो घूम जाए, ठीक है। तो जहां घुमावदार बोलेगा तो हम लोग यूज करते हैं किसका, फ्लेक्सिबल ब्लेड का। नेक्स्ट आइए 49 नंबर का देखिए, विच चिजल इज यूज फॉर कटिंग कीवे, कीवे का आपको बता चुके हैं, कीवे में हम लोग किसका यूज करते थे, तो क्रॉस कट चिजल, शुरू में आपको बताया था डिस्कस करके कि फ्लेट चिजल का वेल्डिंग जॉइंट में, फिर क्रॉस कट का कहां, कीवे में हम लोग यूज करते हैं, डायमंड पॉइंट का कॉर्नर में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस कट चिजल। नेक्स्ट आइए 50 नंबर का देखो, तो क्या है इसमें, हो सके हैमर का फोटो दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं इसका कौन सा फोटो है भाई, हाँ ये जो फोटो देख रहे हो, यहाँ देखिए ये एक्स भाग का नाम आपको पूछ रहा है इसमें फिर से, ठीक है। देख लो ये जो भाग देख रहे हो यहाँ पर एक्स पार्ट, इसका नाम क्या है, और आपको पता होना चाहिए कौन सा हैमर है, ये बॉल पिन हैमर है, इसको फेस कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, फेस, जबकि इसको चीक कहा जाता है, चीक, और ये क्या है, ये आपका पिन है, पिन क्या है, पिन, ये क्या है, ये हैंडल है, हैंडल, और ये कौन सा पार्ट है भाई, तो ये आई होल, क्या है, आई ई वाई ई आई होल, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए,
यहाँ पर आपका इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिन, कौन सा हो जाएगा, पिन, पी, हाँ, PEIN, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर 150 तक क्वेश्चन देख लिया, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे